हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने यूके का विजिटर वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसका रिज़ल्ट आ गया, तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा अपनी खुशी। आप लोगों को बता दूँगा कि मेरा वीज़ा लग चुका है और मैंने अभी भी खोल के देखा है। ये DHL का ये पैक है और आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा वीज़ा है और 180 डेज़ का मुझे मिला है वीज़ा ये। और मैंने जो डॉक्यूमेंट है, फिज़िकली डॉक्यूमेंट में कोई भी लेके नहीं गया था, क्योंकि जो यूके के लिए आप जब वीज़ा अप्लाई करते हो विजिटर वीज़ा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे आपको ऑनलाइन जमा करने होते हैं। तो एक ये फॉर्म साथ में दिया है, ये उस समय उन्होंने फॉर्म ये लिया था मेरे से, वापस वो कर दिया मुझे। तो दोस्तों, जो यूके का जो वीज़ा है वो मुझे मिला है पूरे 6 दिन में, 6 डेज में मेरा यूके का वीज़ा का रिज़ल्ट आ गया। फ्रैंकली बोलूँ, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। रीज़न इसका क्या था कि मेरे साथ एक लड़का था जिसने वीज़ा अप्लाई किया था मेरे साथ, थे तो वहाँ पे 5-6 लड़के थे, लेकिन देसी सिर्फ 2 ही थे, एक वो था एक मैं था। तो वो यूपी से था वो लड़का, तो उसने जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाए थे, उसने NOC भी लगाई थी कंपनी की, और जो उसका जो TRC कार्ड था वो 2 साल के लिए वैलिड था, जैसे मेरा 1 साल के लिए वैलिड था। तो और उसका एक और बंदा था उसी कंपनी में जिस कंपनी में वो काम करता था, वो पहले UK उसका वीज़ा लग चुका था, तो उसका भी 2 साल का जो जो उसने डॉक्यूमेंट लगाए थे वही वही उसने पेश किया आगे। तो मैंने पूछा लड़के से, क्योंकि मुझे मैसेज आ गया था कि आपका जो पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो चुका है, तो मैंने उसको पूछा लड़के को कि तेरा आ गया मैसेज, कहता है मुझे कुछ आया नहीं मैसेज। तो मैंने कहा कि यार 6 दिन में आ गया मेरा पासपोर्ट, तो फिर मेरे को डर था कि लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो मुझे श्योर नहीं था कि वीज़ा लगेगा मेरा। तो फाइनली क्या हुआ कि आज बंदा आया जो पासपोर्ट देने के लिए और कोरियर देने के लिए, और मैं बहुत दूर था, मैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर था। तो मैंने उसको बोला कि यार वहाँ पे 5 मिनट वेट कर सकता है, मैं अपने भाई को भेज देता हूँ। तो कहता है कि नहीं नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है। तो कहता है कि मैं काम करता हूँ, तेरे मेल बॉक्स में डाल देता हूँ। मैं कहा चल ठीक है। तो जहाँ मैं था मैं वहीं से सीधा आया, और आते ही पहले अपना देखा, ओपन किया तो वीज़ा लगा हुआ था। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि वीज़ा लग गया, क्योंकि ये दोस्त क्या होता है कि अगर आपने यहाँ से कहीं और जाना है घूमने के लिए, चाहे कुछ भी लगा लो, तो अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि बंदा यूके से। अब मैंने मार्च में अब वकेशन पे जाना है, तो मैं जब वकेशन पे जाऊँगा तो मैं यूके विज़िट करके ही वहीं से सीधी ब्रिटिश एयरवेज से जाऊँगा मैं, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था तो ब्रिटिश एयरवेज देखा करता था, तो फिर मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं एक दिन ऐसे जहाज़ में बैठूँगा। तो वही दोस्त कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू, आँखें खोल के सपने देखो, भगवान आपके सपने पूरे करेंगे अगर आपकी लगन सही है, अगर आप किसी के साथ कुछ चीटिंग कुछ, अगर आप जेन्यून रहते हो। सबसे पहले तो आपको अपने आप पे ईमानदार रहना पड़ेगा, ईमानदार इन द सेंस अपने लिए ईमानदार होना पड़ेगा। लोग आपको क्या जजमेंट करते हैं, क्या जज करते हैं आपके बारे में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप अपने आप से ईमानदार रहो। अगर आप अपने आप से ईमानदार हो तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बंदा जब देखता है कहीं भी शीशे में अपने आप को देखता कि यार नहीं यार मैं तो सब सही कर रहा हूँ ना, तो फिर सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। तो पहली बार ट्राई किया मैंने और लग गया मेरा। डॉक्यूमेंट मैंने कौन कौन से लगाए हैं वो सारे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये जो पासपोर्ट है ये आपका चाहिए, और इसकी जेरोक्स कॉपी लगाई थी मैंने, और सेकेंड नंबर पर 6 महीने की सैलरी स्लिप लगाई थी मैंने। और जैसे मैं आपको पता है 2 साल मुझे कंपनी में हो चुके हैं, 1-1 साल का होता है वर्क परमिट, और जो पुरानी कंपनी का मतलब पिछली बार जो मेरे लगे थे, कंपनी तो मेरी सेम है लेकिन जो मेरा ओल्ड जो मेरा प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर था वो लगाया था, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट लेटर था ये भी साथ में लगाया था मैंने, और 6 महीने की पूरी बैंक स्टेटमेंट लगाई थी मैंने, और जो फ़ंड शो किए थे मैंने 4500 शो किए थे मैंने फ़ंड। और जो ऐसा दोस्तों, कभी भी आप यूके के लिए आप जब लगाओगे वीज़ा, तो मेक श्योर करना कि ऐसा नहीं कि सडनली आप कहीं से फ़ंड लेके आओ और आप सीधा लगा दो वीज़ा और जमा कर दो पैसा, ऐसा नहीं है। जो आप पैसा जो आप जमा आपकी जो सैलरी आती है अकाउंट में, उस पैसे को आपने खर्च भी करना है, लेकिन आपने जमा नहीं करना है, आपने किसी ATM में जाके जमा नहीं करना कि हाँ यार मैं अपने जो फ़ंड है उसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, बढ़ाने के लिए मैं थोड़े से
फंड आगे शो कर दूँ, ऐसा नहीं करना है आपने। जो आपकी जो सैलरी आ रही है उससे आप खर्चा करो, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि सारे पैसे निकालो, ऐसा भी नहीं करना है। आपने सेविंग करनी है, वो होली 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 करते आपके मेरे 4500 हो गए थे, क्योंकि मैं जो जो मेरी सैलरी थी मैं घर भी भेज रहा था, जिससे पैसे पकड़े थे मैंने वो उनके देने भी थे। तो देख लो, मैं फरवरी से मैं काम कर रहा हूँ और अभी है जनवरी 31 आज, ठीक है, जनवरी आज 31 है, तो फरवरी से लेके आज तक देख लो मैंने जो सेविंग की है 4500 मेरे अकाउंट में थे, और जो बाकियों को जो पैसा दिया वो अलग से था, जिसका मैं पकड़ा हुआ मतलब जिससे मैंने पकड़े थे पैसे। तो ये सारी चीज़ थे, और डॉक्यूमेंट में और जो ट्रैवल आइटनरी होती है जो है ना, कवर लेटर हम जिसे कहते हैं, वो जो कवर लेटर था उसमें मैंने 6 दिन का मैंने विजिट किया था कि मैं 6 दिन मैं लंदन में रहूँगा। मैं एक एक मैंने इसमें डिस्क्राइब किया हुआ था। अगर किसी को भी दोस्तों कवर लेटर चाहिए होगा मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगा, मैं इसके कोई चार्ज नहीं करूंगा। पोर्चुगल में एक बंदा था जिसका वीज़ा आया था, यूट्यूबर है, मैंने उससे कवर लेटर मांगा था, उस बंदे ने बोल दिया था कि यू हैव टू पे समथिंग। तो फिर मैंने कहा कि भाई पैसा तो नहीं दूंगा तेरे को, ठीक है, लेकिन किसी को भी चाहिए होगा तो मेरे से ले लेना दोस्तों, मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा मैं, और ना कभी करूंगा मैं। तो ये हो गया और डॉक्यूमेंट में, और बस यही कुछ था। एनओसी के लिए मैं सोच रहा था कि मैं कंपनी से लूँ कि ना लूँ, है ना, तो एनओसी फिर मैंने, क्योंकि कंपनी मैंने मैंने जब पता किया किसी एक बंदे से, कहता है कि हाँ आप ले तो सकते हो लेकिन एक बार ही मिलेगा, बार बार नहीं देगा वो। तो फिर मैंने वो जो एनओसी है वो मैंने किसी और वीज़ा के लिए संभाल के रखी हुई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ जो मेरा जो नेक्स्ट प्लान है उसके लिए जब मैं ट्राई करूँ तो मैं तब एनओसी लूँ मैं, क्योंकि मैं वहाँ का रिजेक्शन चाहता नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहली बार ही मेरा लग जाए। इसलिए मैंने वो एनओसी मैंने उसके उस काम उस वीज़ा के लिए संभाल के रखी हुई है। तो अभी तो मैं ट्रैवल करूँगा, उसके बाद फिर मैं जब वापस आऊँगा मैं घर से, उसके बाद फिर मैं वहाँ के लिए देखूँगा, फिर तब जाके मैं एनओसी लूँगा मैं। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, मेरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।